बेस्ट वेब सीरीज ऑफ 2023 की लिस्ट बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वो टाइम आ चुका है। ऐसे वीडियोस धड़ाधड़ देखने मिलेंगे और तुम जज कर सकते हो कि पूरे साल मैंने क्या किया, क्योंकि काफी सारे शोज थे जो मैंने नहीं देखे। इसीलिए इस वीडियो के अंदर उन्हीं के नाम बताऊंगा जिनको मैंने चेकआउट किया है, क्योंकि ये मेरी लिस्ट है। माई लाइफ माई रूल माई फैसला। नंबर 10 पे ऐसी वेब सीरीज जिसके 6, 7, 8 एपिसोड आ चुके हैं लेकिन खत्म नहीं हुई, हर हफ्ते एक आ रही है ऑन एप्पल टीवी प्लस, मोनार्क द लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स। काफी अच्छी मिस्ट्री बांध के रखी है कि कैसे दो नॉर्मल इंसान, एक स्टेप ब्रदर एक स्टेप सिस्टर, अपने बाप को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं ऐसी दुनिया में जहाँ पे गॉडजिला एग्जिस्ट करता है, और उसी बाप का कुछ कनेक्शन भी है इस छिपकली के साथ। अच्छा लग रहा है दोनों कैरेक्टर्स को एक जर्नी पे जाते हुए देख के, और उनकी दादी अम्मा तो कमाल। इस लिस्ट में और ऊपर हो सकती थी अगर सारे एपिसोड्स आ जाते, लेकिन उनको हफ्ते में एक निकालना और टोटल 10 है या 12, फिर भी लिस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि मॉन्स्टर वर्स के अंदर इंसानों वाला पर्सपेक्टिव जो इतना ज्यादा लैकिंग था उसको एकदम से खोल के रख दिया। खोलने और बाप बेटे के रिलेशन से याद है कि नंबर 9 पे भी एक इनकम्प्लीट वेब सीरीज है, इनविंसिबल सीजन 2। याद करके बहुत गुस्सा आता है कि 2.5 साल बाद ये लोग आए, 4 एपिसोड अपने सामने रखे और गायब हो गए, बोले अगले साल। सीजन 2 बीच में ही छोड़ दिया है इसलिए इतना नीचे, लेकिन जो 4 एपिसोड दिखे वो अच्छे थे, वेरी एक्साइटिंग, और एक्साइटमेंट में तुमको खड़ा करके KLPD कर दिया। नंबर 8 पर 2 वेब सीरीज रखी है मैंने, भुवन बाम की ताजा खबर, पूरी डेडिकेटेड अखी वीडियो बनाई है इसके ऊपर, तुम जाके चेक कर लेना, बट एंटरटेन करने में ये कामयाब होती है, और क्योंकि एक यूट्यूबर ने बनाई है तो एक दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा। उसी के साथ जो नंबर 8 पे टाई में वेब सीरीज है, सास बहू और फ्लमिंगो, इट वॉज समथिंग न्यू समथिंग डिफरेंट, जिसके अंदर घर की बहू बेटियां पाब्लो एस्कोबार बनी है लेकिन देसी। काफी जगहों पे ये एकदम हिलेरियस है, और दीपक डोबरियाल का विलन, एक बार का वो नशे की फैक्ट्री चलाने वाली चीज बिलीव हो जाती है लेकिन उनका ट्रांसफर फॉर्मेशन नहीं। एक छोटी सी खटास जो अभी तक माइंड में ना, कि तुम इस पूरी स्टोरी को एक सीजन के अंदर कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि तुमको ट्विस्ट के नाम पे कुछ रखना था इसलिए लिटरल लास्ट के 2 मिनट में इंस्टेड ऑफ रैपिंग एवरीथिंग अप वो लास्ट गांठ मारने से पहले तुमने खत्म कर दिया। और अगर ये सच में सीजन 2 के लिए किया ना, तो आई वांट अ डैम गुड रीजन कि क्यों, लेकिन अच्छा वाला रीजन मैं नहीं दे पाऊंगा आगे चल के जो कुछ भी होने वाला है, क्योंकि मैंने जब ये पूरी लिस्ट निकाली ना तो इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड हूं कि बीच में किसको कहां पे प्लेस करूं। काफी सारे वेरिएशन ट्राई किए लेकिन खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूं, तो तुमको कैसे करूंगा नहीं। तो इसीलिए रैंक नंबर 7, 6, 5, 4, 3, 5 प्लेसेस के अंदर मैं तुमको 7 सीरीज के नाम बताने वाला हूँ, और वो नो पर्टिकुलर ऑर्डर में होंगे, मतलब कि ले देके ये मेरे लिए इतने क्लोज थी कि मैं कोई भी ऑर्डर डिसाइड नहीं कर पा रहा था, इसलिए सब तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। शाहिद कपूर की फर्जी, जिसके अंदर वो इतना बढ़िया आर्टिस्ट है कि नकली नोट एकदम मक्खन की तरह बनाता है, सरकार की मशीनें भी नहीं पकड़ पाती। ओवरऑल काफी अच्छी है, इट इज एक्साइटिंग, इसके कुछ सीन्स हैं जो कि आज भी मेरे दिमाग में याद है, चलती हुई गाड़ी से नोटों की बारिश कर देना, क्लब पब में एंट्री देने वाले बाउंसर को जो बोलता है कि तू भी तो इतना कमाता है, मेरे को ऐसे थोड़ा अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि अगली बार अगर साले ने अंदर नहीं लिया। और पूरे के पूरे विजय सेतुपति, थाईलैंड मसाज से लेके जो मिनिस्टर को गाली देते हैं। सर व्हाट इज निष्कर्ष सर? जेन वी नाम की एक वेब सीरीज है, द बॉयज यूनिवर्स में सेट है, और अगर तुमने ये द बॉयज देखी है तो फिर जेन वी को भी चेकआउट कर लेना। मिस्ट्री वगैरह और स्टेक्स को लेके ये उतनी हाई नहीं जाती है, बट काफी फेमिलियर फील होगी, वही मारकाट वही साक्सुक्स। तो अगर तुमको भी अपने घर में रिप्रेस किया जाता है तो चलो यार एक बढ़िया मारकाट वाली वेब सीरीज देखते हैं। गन्स एंड गुलाब, ये नेक्स्ट वेब सीरीज की बात करो, इसके अंदर सब्सटेंस तो था लेकिन स्टाइल इतना ज्यादा, वर्ल्ड की सेटिंग से लेके कैरेक्टर्स, उनके दिखने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, जो म्यूजिक यूज किया है, सब मिलाकर एक माहौल तैयार करते हैं और वो देखने में बहुत मजा आता है। पाराधारी टीपू को सलाम, काफी अच्छा तरीका बताया, जब तुमको अपने लव का इजहार करना हो जाके लेटर दो हाथ में और भाग के वापस आ जाओ, लेकिन वो लेटर किसी और से मत लिखवाना। वन पीस का लाइव एक्शन रिलीज होने से पहले इसके ऊपर इतना सारा प्रेशर, इतनी सारी उम्मीदें लगी हुई थी कि अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता तो फिर ढह जाती, बट नो इट वॉज गुड एंड इट सर्वाइव्ड। ओरिजिनल स्टोरी से काफी सारी चीजें चेंज करी गई हैं उसके पेसिंग को इम्प्रूव करके एक्साइटिंग बनाने के लिए, एंड इट वर्क्स। तुमको अगर कोई एक न्यू और एडवेंचरस वर्ल्ड देखना है ना तो इसको जरूर चेकआउट करना। वन पीस की स्टोरी को एक्सपीरियंस करने का सबसे बेस्ट तरीका है उसकी मांगा रीड करना, बट तुम में से बहुत सारे लोग वो नहीं करोगे, तो इसलिए अगर तुम नए हो तुमको कुछ भी नहीं पता
होता तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है ये लाइव एक्शन। लेकिन इंतजार काफी करना पड़ेगा क्योंकि सीजन 1 आया। ठीक उतना इंतजार असुर के सीजन 2 ने भी करवाया था, बट जब वो ड्रॉप हुआ तो इट वॉज वर्थ इट। सीजन 1 कुछ नया और डिफरेंट फील हुआ क्योंकि उसने आज की स्टोरी में सुर असुर वाले कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से मिलाया था। सेकंड सीजन क्या करता है, उसको एक स्टेप और ले जाके टेक्नोलॉजी को एकदम भारी भरकम मात्रा में छिड़क देना। शुभ नाम के कैरेक्टर का जो चाइल्ड एक्टर है उसका परफॉर्मेंस और जो मिस्ट्री ये पूरा बिल्ड करती है, नो ब्रेनर, फ्री में अवेलेबल है मेरे ख्याल से जियो सिनेमा में, तो डेफिनेटली द रेलवे मैन। ऑनेस्टली इस वेब सीरीज के फिल्म मेकिंग में अगर हम लोग कमियां निकालने जाना तो बहुत सारी निकल जाएंगी, लेकिन कभी कभी कुछ स्टोरीज ऐसी होती है जो अंदर तक टच कर जाती है इंसान के और वो तुमको कुछ अलग फील करवाती है, इसलिए द रेलवे मैन इस लिस्ट में इतनी ऊपर है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो लीक हुआ था वो सीन से लेकर एंड में जितना कुछ अपने को दिखाया निकलेगा नहीं कभी दिमाग से, और इसीलिए ये फीलिंग एक्सपीरियंस करना इतना ज्यादा सब्जेक्टिव है ना कि तुमको शायद वैसा ना लगे, तो इसीलिए तुम अपनी लिस्ट कमेंट्स में बताना, ये मेरी है। मैंने जो तुमको रैंक 7 से 3 के बीच में सब एक साथ बताने वाली बात बोली थी वो खत्म हो गई, एक बाकी है बस, और वो वेब सीरीज बहुत ज्यादा अंडररेटेड, जितनी अच्छी बनी है उतने लोगों तक पहुंची नहीं, तो सोनी लिव वाले पता नहीं क्या मार्केटिंग कर रहे हैं। द रॉकेट बॉय सीजन नंबर 2 इंडिया और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेके स्पेस प्रोग्राम तक सब जगह टच किया इसने, लाइक एक्चुअल रियल हिस्ट्री दिखाने की कोशिश करिए बट उसको 100% ट्रू मत मानना, लेकिन एक बार अगर तुमने इसको देख लिया ना तो मेरी तरह थोड़ी फ्रस्ट्रेशन जरूर होगी कि लोग क्यों नहीं देख रहे हैं, एटलीस्ट इसके म्यूजिक और परफॉर्मेंस के लिए तो एक बार डिजर्व करती है। और अब क्योंकि 3 नंबर से आगे बढ़ चुके हैं तो लास्ट में बचती है सिर्फ 2 वेब सीरीज और उनकी रैंकिंग दी हुई है मैंने। नंबर 2 पे आती है HBO की वेब सीरीज जो कि पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल थी, फिर जियो ने उसको हाईजैक कर लिया, द लास्ट ऑफ अस। अगर तुम इंटरनेट चलाते हो तो जब ये एयर हो रही थी इसका नाम तो डेफिनेटली सुना ही होगा। वीडियो गेम की स्टोरी के ऊपर बनी है जिसके अंदर ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स दिखाया है, लेकिन वही ज़ॉम्बीज का आतंक नहीं दिखाया क्योंकि ये पूरी फोकस करती है इंसानों पर और कैसे ऐसे सिचुएशन में जिंदा रहने के लिए तुम्हारे मेन कैरेक्टर तुम्हारे हीरो को भी दरिंदों वाला काम करना पड़ता है। पेड्रो पास्कल जो इंटरनेट के डैडी पहले से थे इसके बाद वो सुपर डैडी बन चुके हैं और बेला राम से जेन ऑर्टेगा से ज्यादा पॉपुलर हो जाती अगर पीआर अच्छे से करती तो। नंबर 2 पे एकदम सॉलिड वेब सीरीज, इसको डेफिनेटली चेकआउट करना एज रेटिंग देखने के बाद, लेकिन मोस्ट लाइकली इसको नंबर 1 पे होना चाहिए था अगर नंबर 1 वाली वेब सीरीज रिलीज नहीं होती, लेकिन क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल बायस है उस जॉनर को लेके तो क्या करूं, आदत से मजबूर, और इसीलिए मैंने इस लिस्ट में टॉप 10 नंबर 1 पे रखा है मार्वल की एकदम बेहतरीन वेब सीरीज। इस साल रिलीज हुई और सबको बात करने पे मजबूर कर दिया एकदम शॉक दिलाकर, सीक्रेट इन्वेजन मास्टरपीस। ये जो टट्टी करी है मास्टरपीस, तुमको अगर क्लिक नहीं हुआ तो ये मजाक था। मैंने इसका नाम क्यों लिया ताकि जब रियल नंबर 1 का नाम बताऊं तो पता चले कि हाँ कहां से कहां गए हम। लोकी सीजन 2 ऑब्जेक्टिवली इसको बनाया अच्छी तरीके से गया और ये टॉप 10 में पोजीशन डिजर्व करती है, लेकिन मार्वल एक ऐसे रिश्तेदार की तरह जिससे थोड़ा पर्सनल कनेक्शन हम फील करते हैं, लेकिन उसके फेल्यूर्स को देख कर ना दिल दर्द कर रहा था, और जब एकदम से कुछ इतना अच्छा तुम्हारे सामने ला के रख दो तो फिर दिल गदगद हो जाता है। साथ में जिस पॉइंट पे लोकी सीजन 2 को खत्म करते हैं, अगर मैं इसको नंबर 1 पे खत्म नहीं करता ना तो अपने आप को माफ कैसे। लोकी का ग्लोरियस पर्पस सब्जेक्टिवली टॉपल्स एवरीथिंग एंड एवरीवन।